दोस्तों, मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल विवाह पंचमी का पर्व 8 दिसंबर बुधवार को मनाया जाएगा। कहते हैं कि श्री राम और माता जानकी का व्रत और पूजन करने से सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पूजन में राम जानकी के विवाह की कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं राम जानकी विवाह की कथा। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था। माँ सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार माता सीता राजा जनक को हल चलाते समय खेत में मिली थी। एक बार सीता जी ने खेल खेल में भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, जो कि राजा जनक को परशुराम जी ने दिया था। ये देखकर राजा जनक हतप्रभ थे, क्योंकि इस धनुष को उठाने की क्षमता केवल परशुराम जी के पास ही थी। सीता माँ के ये गुण देखकर राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी कि जो कोई भी शंकर जी का धनुष उठाकर उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा सकेगा, सीता जी का उसी से विवाह होगा। राजा जनक की ये शर्त सुनकर विश्वामित्र अपने साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सीता स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर में पहुंचे हुए अन्य सभी राजकुमार और राजा शिव धनुष को उठा नहीं पा रहे थे। राजा जनक हताश होने लगे कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। इसके बाद प्रभु श्री राम का अवसर आया। राम जी ने एक बार में ही धनुष उठा लिया, ये देखकर सभी हैरान रह गए। लेकिन जब भगवान श्री राम गुरु के कहने पर शिव धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे, प्रतिज्ञा चढ़ाने के प्रयास में शिव धनुष टूट गया। इसे नाराज होकर स्वयं भगवान परशुराम श्री राम से प्रायश्चित करने को कहा, लेकिन श्री राम में भगवान विष्णु का रूप देखकर सीता जी के विवाह का आशीर्वाद दिया। सबके आशीर्वाद से श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू धर्म और भारतीय समाज में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन इस कथा का पाठ करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।